महिला कर्मचारी को लगा कट, हालत गंभीर। अयोध्या, बिजली के पोल पर चढ़कर स्ट्रीट लाइट का कार्य कर रहे नगर निगम अयोध्या के ठेका कर्मचारी को स्ट्रीट लाइट के दौरान लगे कट के बाद गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार मोहित कश्यप 35 वर्षीय निवासी कौशलपुरी कॉलोनी कोतवाली नगर गुरुवार दोपहर में बिजली के खंभे पर स्ट्रीट लाइट सुधारने के लिए चढ़ा हुआ था। तभी अचानक मोहित को जोरदार कट लग गया, जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। जैसे ही इसकी जानकारी परिचित और परिजनों को लगी तो जिला चिकित्सालय पहुंचे डॉक्टर द्वारा घायल का उपचार किया जा रहा है। वहीं नगर निगम अपर आयुक्त भी जिला चिकित्सालय पहुंचे और गंभीर हालत कर्मचारी मोहित कश्यप की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि कंपनी द्वारा जो भी मुआवजा बनेगा उसको दिलाया जाएगा। अयोध्या तो क्या सुरक्षा की क्या व्यवस्था है रही है और कैसी तरफ की जा रही है? देखिए, जो भी ये एक दुखद दुर्घटना सामने आई है, लेकिन फिर भी उनकी स्थिति कंट्रोल में है और हम लोग पूरे नगर निगम प्रजापति तत्परता से उनके इलाज में लगा हुआ है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैं आया हूँ और सब चीज़ों को हम लोग तस्वीर भी देख रहे हैं। दर्द मतलब कुछ भी डरने की बहुत बात नहीं है। जो भी मुआवजा या सरकारी जो भी चीज़ें होती है उसका कंपनी के द्वारा अनुपालन कराया। सर, सुरक्षा की हेल्पमेट ना कोई सेफ्टी प्रशासन था ही नहीं, सारी चीज़ें का ख्याल रखा जाता है। अगर कुछ भी अगर उसमें सेफ्टी चीज़ों का नहीं रखा तो वो जाँच का विषय, वो जाँच करा के क्या नगर निगम सेफ्टी मुहैया नहीं कराती है? सर, क्या नगर निगम सेफ्टी के सामानों को मुहैया नहीं कराती है? सर, मुआवजे को लेकर क्या कहेंगे, क्या मुआवजा दिया जा रहा है? सर, मामला ये है कि ये 24-24 घंटे निगम के द्वारा काम दिया जाता है, न गर्म लाइन पे, और काम 24 घंटा दिया जाता है, न इनको सेफ्टी प्रकाशन के रूप में कुछ भी नहीं, ना हेलमेट दिया जाएगा, ना बेल्ट दिया जाएगा, कुछ भी नहीं दिया जाता है, न इंश्योरेंस के नाम पे जीरो। और एपी एंटरप्राइजेस जो इनका मेन वो है, जिसपे ठेकेदार हैं, वही उनके अंदर में काम करते हैं और 24 घंटा उसके नाम पे, उनके मदद के नाम पे कोई अभी तक हमारे पास आया नहीं। इसकी शिकायत आप कहीं किया? अभी इन्हीं के इलाज में हम लोग लगे हैं, क्या हम किसी पास शिकायत करेंगे? मैं आपके थ्रू यही कहना चाहता हूँ कि हमें भरपूर मदद मिले और इनका मुआवजा जो बने हमको दिया जाए तुरंत, जिससे हम इनका इलाज कराए। लगभग 1.5 वर्ष हो गया मौके पर, 1.5 वर्ष पूरा हुआ। की घटना है रात ये अभी दिन की घटना है। गर्म लाइट स्ट्रीट लाइटों को ये सही करते हैं पूरे जिले में, कहीं भी 24 घंटे बाबा जी आ रहे हैं तभी इनको 24 घंटे लगा दिया जा रहा है, कोई भी आ रहा है इनको 24 घंटे काम करने के लिए बुलाया, तत्काल 12 बजे रात में, 11 बजे रात में, 3 बजे रात में, 2 बजे रात में कभी बुला लिया जाता है। आपकी तरफ से क्या मदद मिली है? अभी ठेकेदार से हमारी कोई बात नहीं हुई, ना वो हमारे सामने आए, हम लोग घर के गार्जियन है, वो आके हम पहले अपने सदस्य को बचाएंगे, उसके बाद फिर ठेकेदार से बात करें। घटना के बाद के पास कोई नहीं आया, अभी कोई नहीं आया। मरीज का नाम है, वैसे सब चीकू कहते हैं लेकिन उनका नाम मोहित है, मैं उनका साढ़ू हूँ। मेरा नाम रत्नेश कुमार है। बताइए, फ्लाईओवर पेट्रोल टंकी के बगल लाइन पर चलती लाइन पर काम हो रहा था, उसमें स्ट्रीट लाइट बनानी थी, स्ट्रीट लाइट बनाने के लिए चढ़े, उसको तार छीन रहे थे, उसके बाद उनको हम देखे कि ना हिल रहे थे ना ढोल रहे थे, तो हमने देखा कि कुछ नहीं, फिर उसके बाद सीढ़ी हिलाए, हमने कहा कि और कोई चाप नहीं है इसके, तो सीढ़ी हिलाए तो उनको भी नीचे किसी तरीके से गिरे, तो उनको फिर उठा के बैठाया गया, बैठा के उसके बाद पानी वानी नहा के, जो पानी मारा गया छिट्टा मारा गया, पानी नहीं पिलाया गया क्योंकि पानी इसमें पिला नहीं रहता है। हिलाओ मत, हिलाओ मत यार, बताएं धीरेंद्र को फिर आए हैं, कहीं कहीं होंगे, कहीं आते नहीं है, नहीं आए हैं, आए वो कभी यहाँ लाए हैं तभी से आए, कहीं होंगे तो यार रुक जाओ। ये कैसे आप चढ़ गए ऊपर? इसमें सीट डाउन स्टिक लाइट पर सीट डाउन नहीं मिलती, हमेशा सीट डाउन लेंगे तो कहाँ भी लाइन चेक होगी,
लाइट कहाँ से होगी, कैसे बनेगी, तो उसके कुछ नहीं, ना हेलमेट है, ना ग्लव्स है, कुछ नहीं। क्या नाम है?